हम मसीह जीवन बिताने के लिए कई उन चीजों को करते हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है। ध्यान से सुनिए, हम मसीह जीवन में, आप मसीह जीवन जीने के लिए कई उन बातों को करते हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है, और उन बातों को हम नहीं करते हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। और ये सब क्यों होता है? अज्ञानता की वजह से। हालेलुया। मती 3:15 बताता है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाले से बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि अरे तू, तेरी जूती का बंद खोलने के योग्य मैं नहीं हूं, आमीन, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? बपतिस्मा तुझे मुझे देना चाहिए, मुझे तुझसे लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसकी धार्मिकता के अनुसार ऐसा ही होने दो। हालेलुया। उसकी धार्मिकता पूरी हो। हम मसीह जीवन क्यों बिता रहे हैं? उसकी धार्मिकता पूरी हो। बपतिस्मा लेने से क्या आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं। लेकिन बपतिस्मा क्यों लेना है? उसकी धार्मिकता पूरी हो। सिर पे जो बहने ओढ़नी ओढ़ती हैं, क्या हम ओढ़नी ओढ़ने से या नहीं ओढ़ने से स्वर्ग जाएंगे या हम स्वर्ग से दूर हो जाएंगे? नहीं। लेकिन ओढ़नी क्यों ओढ़ते हैं? ताकि उसकी धार्मिकता पूरी हो। हालेलुया। प्रभु भोज अगर हमने नहीं भी लिया तो क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? जाएंगे। स्वर्ग प्रभु भोज लेना क्यों है? ताकि उसकी धार्मिकता पूरी हो। आमीन। कलीसिया में हर रविवार नहीं आने से क्या आप स्वर्ग से विमुख हो जाएंगे? क्या आप स्वर्ग नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हम कलीसिया क्यों आते हैं? ताकि उसकी धार्मिकता पूरी हो। हर संडे कलीसिया में क्यों आना है? ताकि उसकी धार्मिकता पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसकी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को बिताया। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। कहीं आज्ञा नहीं है कि हमें रोज बाइबल पढ़नी चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब नहीं पढ़ते तो आपको लगता है अरे यार आज बाइबल नहीं पढ़ी, आप अपने आप को दोषी करार देते हैं, यार आज बाइबल नहीं पढ़ी, यार गलत कर दिया मैंने। बाइबल नहीं पढ़ने से परमेश्वर नाराज नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी आज्ञा ही नहीं है। उसकी आज्ञा है लूका 9:23, उसकी आज्ञा है लूका 9:23, लूका 9:23। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। ये उसकी आज्ञा है। क्या हम करते? नहीं करते। और इसके लिए अपने आप को दोषी भी नहीं मानते। हमारे मन में होता भी नहीं कि अरे आज हमने अपना इनकार नहीं किया। बाइबल नहीं पढ़े तो हमें दोष महसूस होता है, जो कि उसकी आज्ञा नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसकी आज्ञा है कि हमें रोज बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमें ज्ञान मिले। लेकिन आज्ञा नहीं है। आज्ञा यह है कि वो अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन हमको चलना है, प्रतिदिन। यीशु का जीवन आपके जीवन, आपके अंदर कैसे काम करेगा?
जब तक आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मारेंगे नहीं। हालेलुया। आपकी पत्नी लड़ाई कर रही है, आपका पति लड़ाई कर रहा है, नशे में आया है, उसने आपको मारा है, रोज का यही किस्सा है, आपके घर में पैसा भी नहीं है, आपके बच्चे भूखे हैं और आपका पति आपको उकसा रहा है, मार रहा है, आपको झापड़ मार रहा है। और ऐसे में मन में आता है कि मैं भी दो चार बड़ी बड़ी गालियां दूं और उसको मैं भी मारूं। हालेलुया। आता है ऐसा ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार आना कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? हमें उसी समय अपने आप को मारना है, अपने उस गुस्से को मारना है, हमें उस गुस्से को मारना है। आप कहीं जा रहे हैं, लोग आपके बच्चे को कह रहे हैं, अरे तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास साइकिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आप खड़े हुए हैं और आप दुनिया को बताते हैं कि अरे मैं मर्सिडीज है मेरे पास, बंगला है मेरे पास। आप लोग क्या कहते हैं? अगर उस समय आपके मन में घमंड करने का विचार आ रहा है, जो कि आता है कभी कभी, बाइबल कहती है अपने घमंड की हत्या करिए। जिस दिन आप इन स्वभावों की हत्या करने में कामयाब हो जाएंगे, यीशु का जीवन आप में बहने लगेगा। मसीह हम क्यों बने हैं? ताकि यीशु का जीवन हम में जी आए। यीशु ने अपना जीवन क्यों दिया? ताकि वो चाहता है कि उसका जीवन हम में आए। और उसका जीवन हम में कब आएगा? जब हम रोज प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएंगे, रोज अपने आप को मारेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, धर्मी लोग क्या होते हैं, धर्मी आदमियों की, आदमी की पहचान क्या है? चार पहचान है। अगर आप धर्मी हैं तो आप जो बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे, आप खरा बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, वो धर्मी इंसान है। आपके रहने में दो चित्तापन नहीं होना चाहिए, घर में आप कुछ हैं, बाहर कुछ और हैं। दूसरा, तीसरा नंबर, हर चीज में शांति बनाने की कोशिश करिए। आपके घर में लड़ाई हो रही है, बाहर कहीं लड़ाई हो रही है, दोस्तों में लड़ाई हो रही है, जहां आप काम करते लड़ाई हो रही है, आपकी कोशिश होनी चाहिए। जो धर्मी है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि वो शांति बनाता है। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा, आई एम सॉरी, शांति। नंबर चौथा, हर पल अपना जीवन प्रार्थना में बिताइए। ये चार चीजें हैं जो आपको धर्मी बनाती हैं, ये चार चीजें हैं जो परमेश्वर का भय आप में लेकर आती हैं। और बाइबल में अनगिनत प्रोमिसेस हैं जो परमेश्वर के भय में रहता है उसके लिए, जो परमेश्वर के भय में रहता है उसके लिए बाइबल में अनगिनत प्रोमिसेस हैं, अनगिनत प्रोमिसेस, आप सोच नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, और मैं आपको अभी भी बताता हूं, अगर जो वचन मैं आपको बताता हूं, अगर ईमानदारी से आप उन वचनों को अपने अंदर लेंगे, अगर ईमानदारी से आप उन वचनों पर चलने के लिए अपने आप को बनाएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गरीब नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा अपने आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं। आपकी चिंता नहीं रहेगी। सिर्फ जो मैं वचन आपको बताता हूं उसके अनुसार चलिए आप, वो वचन लिखिए, रोज घर में जाकर उसका मनन करिए, देखिए आप, ये वचन आपको जीवन देंगे, ये वचन आपको बताएंगे कि आपको कैसे जीना है।
ये वचन आपको बताएंगे कि यीशु का सामर्थ क्या है। कई बार हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह का सामर्थ क्या होता है। पहले जब मैं नया नया आया था, मैं भी सोचता था कि यीशु मसीह का सामर्थ क्या होता है, कैसे प्रभु काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में आया और पहले पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मुझे समझ में आने लगा जब मैं प्रभु के वचनों में बनने लगा, मनन करने लगा, उस वचन में के अनुसार उसका होने लगा, उसका आनंद, उसके होने में आनंद महसूस करने लगा। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ को मैंने देखा, अद्भुत सामर्थ को मैंने देखा, अद्भुत। मैं सच कह रहा हूं, अद्भुत सामर्थ को मैंने देखा, आश्चर्यचकित हो गया मैं। कौन काम कर रहा है? क्या प्रभु ऐसे काम करता है? क्या प्रभु इतना प्यार करता है? हालेलुया। आज हमारे लिए पैसा सब कुछ है, हम पैसे से तोलते हैं अपने आनंद को। आज समझते हैं आपके पास लाख रुपए है, 10 लाख रुपए हैं तो आपके पास आनंद है। आज आप पैसे से तोलते हैं अपनी नौकरी को, अपने घर के वातावरण को पैसे से तोलते हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, इन वचनों पे मनन करेंगे, जो मैं आपको बोलता हूं वो अपने जीवन में करेंगे, आपको पैसों की कभी की कमी नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूं आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं इसका गवाह हूं, साक्षात गवाह हूं। कोविड आया, 2 साल हमारा चर्च बंद था, हमारे जितने कितने हमारे भाई बहन हैं, हम सब ने महसूस किया कि परमेश्वर ने अलौकिक रूप से हमें रोटी दी। हम कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हम एक दिन भी भूखे नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको शायद गवाही बताई थी, मैं कोविड में, मुझे कोविड हो गया था और मेरी वाइफ को भी कोविड हो गया था, और मेरा बेटा हॉस्पिटल लेके गया हमको। डॉक्टर ने कहा कोविड, इमीडिएट एडमिट होइए। कार्डिनल ग्रेशियस में हम लोग एडमिट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, उसने मांगा कि 50,000 आपको अभी जमा करना पड़ेगा। मुझे जानते थे वहाँ चेयरमैन, क्योंकि मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, 15,000 में उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया। हालेलुया। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु धन्यवाद। सुबह उठते ही 5 बजे मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, और प्रार्थना करने के बाद मैंने फ़ोन चेक किया, मैसेज वगैरह में, व्हाट्सएप इंसान देखता है। एक भाई का फोन आया, मैसेज आया, उन्होंने लाख रुपया मुझे भेजा हुआ था मेरे अकाउंट में। मैं और मैसेज में लिखा था कि ब्रदर आप प्लीज चिंता मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप हॉस्पिटल में इलाज कराइए, परमेश्वर के आशीष से हम हैं आपके साथ। आमीन। 8 दिन के बाद मैं बाहर आया, मेरी पत्नी को कोविड हुआ, मेरी पत्नी उसी बेड पर आई, उसका भी हुआ। हालेलुया। हम दोनों का बिल कितना था? आई थिंक 269 था, 269,000, क्योंकि कोविड में बहुत लोग डॉक्टर्स ज़्यादा बिल बनाते हैं ना, 269,000। और मुझे ब्लेसिंग कितनी मिली थी? 269,000। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि तू कितना प्यार करता है। क्या मैंने किसी से मांगा? नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूं। उस जिस भाई ने ब्लेस किया, वो रहते हैं
न्यूजीलैंड में, मैंने आज तक जब भी उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होती मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए प्रार्थना करते समय पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं मांगता मैं। सुबह शाम तक कितने मेरे पास फोन आते हैं, आई नेवर आस्क। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का काम ईमानदारी से करिए, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हमारी एक बहन आती है अनीसा, परसों रात को उनका फोन आया, उनके पति को लकवा मार गया, पैरालिटिक अटैक हुआ है। बहुत पीते थे दारू, मैं मना करता था, और गोली भी नहीं खाते थे, उनको ब्लड प्रेशर था, तो पैरालाइज्ड हो गया उनको। और रात को मुझे फ़ोन आया कि मैंने यहाँ पर एक आइकॉन हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसका एडमिट कराया, पास्टर मैं क्या करूँ। मैंने तुमने हॉस्पिटल गलत चुना है बेटा, हम चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, अभी आप निकाल, रात का वक्त है, कोई बात नहीं। सुबह मैं हॉस्पिटल में गया, उस बच्ची का इतना बिल आ गया था, उसमें रखा था उन्होंने, आईसीयू में रखा हुआ था, और ये मशीन सब कुछ, आपको पता ही जो आजकल के यहाँ के नाड़ा सुपारा के हॉस्पिटल्स हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बहुत बिल आया था, मैंने प्रार्थना करी, रिसेप्शन से बात की, ऑनर से बात की, और उसका बिल आधे से भी कम में हमने सिखाया, आधे से भी कम में। खुश हो गए बेचारे, उसको अब एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, एम्बुलेंस जाना उसको मुलुंड में, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे जाएगी पति को लेकर, बाहर की एम्बुलेंस आप करिए, 6,000, 7,000, 8,000 एम्बुलेंस है। मेरी पत्नी ने याद दिलाया कि हमारी एसोसिएशन है, उसके पास एम्बुलेंस है। मैंने उनको फ़ोन किया, कहते हैं पास्टर आई एम रेडी, वो आ गया। मैंने एम्बुलेंस में उसको भिजवाया, मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, उसके एम्बुलेंस का पैसा हम देंगे, चर्च दे देगा, अब जाओ। आज वो इलाज करा रही है वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर में ईमानदार होंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बाइबल हमें बताती है कि हमें किस तरीके से मांगना है, हम समझते नहीं है मांगने को, क्या मांग रहा है हमें यह भी नहीं पता है। हमारे जीवन में कौन सी चीज बहुत जरूरी है हमको नहीं पता, हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल की फीस के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने किराए के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा किराया निकल जाए, राशन आ जाए, हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थना नहीं करते कि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें मिल जाए। मैं अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर आ गया, मेरे भाई मेरी बहन, आप कहीं भी हारेंगे नहीं। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा जिसने ब्रह्मांड की रचना की, परमेश्वर ने बोला और उसने किया, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें क्या काम करना है, हमें कैसे काम करना है, हमारी समझ को खोलता है, हमारे अंदर दीनता लेके आता है, नम्रता लेकर आता है, हमारे अंदर कोई भी पाप आएगा चेतावनी देता है कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं आए। यस, लेकिन उस पवित्र आत्मा को समझना जरूरी है। वो कब समझा जाएगा, जब आप प्रार्थना में रहेंगे। वो कब समझेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे और वचनों के अनुसार चलेंगे, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप महसूस करेंगे, तब आप जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको रचा ही इसके लिए, ताकि वो आपको अपना योद्धा बनाए। हम संसार के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, गुलामी, हम गुलाम बने हुए हैं। क्या परमेश्वर ने हमको गुलाम बनाया है?
परमेश्वर ने हमको सिर बनाया है, पैर नहीं। हालेलुया। आप कहीं भी काम करते हैं इज्जत से करिए, ईमानदारी के संग रहिए, लेकिन याद रखिए आप गुलाम नहीं है किसी के। संसार पाप के माध्यम से चलता है। अगर आप संसार के गुलाम हैं तो आप पाप के भी गुलाम हैं। क्या आप पाप के गुलाम होकर जिंदगी बिताना चाहते हैं? जिस पाप के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, जिस पाप का नाश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान चढ़ाना पड़ा, उस पाप का गुलाम बनकर आप संसार में रहना चाहते हैं? शैतान का मकसद क्या है? हम फिर पाप में चले जाएं, हमसे फिर पाप करवाए शैतान। उसका मकसद यही है। हम बड़े बड़े मसीह हैं, चर्च जाते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम जब अपने ऑफिस में होते हैं, सिचुएशन ऐसी आती है, उसको टैकल करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, घर की सिचुएशन बाहर पता ना लगे, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, और हम समझते हैं हमने सिचुएशन को टैकल कर लिया। आपने सिचुएशन को टैकल नहीं किया है, शैतान ने आपसे पाप करवाया है। शैतान आपसे पाप करवा रहा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शैतान आपको पाप का आदि बना देता है। और आप समझते हैं मैं चर्च भी आ रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, दशांश भी दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी आत्मा को शैतान अंधकार में लेकर जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे। थोड़ा थोड़ा दुख, थोड़ा थोड़ा पाप, शैतान थोड़े से शुरू करता है। हालेलुया। हव्वा से क्या पूछा था शैतान ने? क्या तुझे मना किया है अदन की वाटिका के सारे फल खाने से? क्या तुझे मना किया है? ये सवाल हव्वा के लिए क्यों था? ताकि वो परमेश्वर की निंदा करे। इतने दिनों से आप चर्च जा रहे हैं, कितने दिनों से चर्च जा रहे हैं भैया आप? 10 साल से। 10 साल से आप चर्च जा रहे हैं और अभी भी साइकिल में ही है। साइकिल का पंचर भी आप बनवा नहीं सकते। 10 साल से आप चर्च जा रहे हैं तो क्या मिला? अभी अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप बोलेंगे हाँ यार, हमारे चर्च में हमारे बाद लोग आए उनको आशीष मिला, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। उसने आपसे क्या करवा लिया? परमेश्वर की निंदा। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप बोलेंगे कि मैं चर्च साइकिल के लिए नहीं गया, मैं चर्च परमेश्वर की आत्मा के लिए जा रहा हूं। मेरी साइकिल का पंचर बने या ना बने, मेरी आत्मा यीशु से जुड़ी रहे। मैं यीशु का सामर्थ्य उसकी आत्मा में है। हम शरीर को ना ढूंढें, हम शरीर के सुख के लिए ना जाएं। शैतान का सबसे बड़ा मकसद है कि जो चर्च जाते हैं आपको शरीर का सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर रही है, आपके लिए सबसे बड़ा यही है कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल जाए, आपके बच्चे के अंदर से निकल जाए। ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है जो आपकी बच्ची में थी। कितनी दुष्ट आत्माएं थी आप भी जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको चर्च की अहमियत पता हो, ताकि आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि आपको जीवन कैसे, मसीह जीवन कैसे बिताना है। अपना क्रूस रोज उठाकर अपना इनकार करना, अपने स्वभाव का इनकार करना, वो तो आप रोज है, रोज वो कहता है लूका 9:23, ये आज्ञा है और हम इस आज्ञा को नहीं मानते, नहीं मानते, हम नहीं इनकार करते। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप अपना इनकार रोज करें? जिस दिन आप अपना इनकार रोज करेंगे उस दिन वो आपके अंदर आएगा, उस दिन वो आपके अंदर आएगा और आपको सिद्ध बनाएगा। शमूएल ने अपना इनकार रोज किया था, हन्ना ने शमूएल को जीवन देने के लिए इनकार किया था। शमूएल जब बच्चा हुआ, हन्ना के बच्चा नहीं हो रहा था, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी, लेकिन जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के संग वाचा बांधी, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और शमूएल दिया। उसका पति एलकाना आया, चल भाई हन्ना बर्थडे मनाते हैं, उसने इनकार किया, नहीं, अपनी इच्छाओं को इनकार किया। क्यों? क्योंकि मैंने वाचा बांधी है परमेश्वर से, मैंने यीशु से वाचा बांधी है, मुझे इसको दूध पिलाना है और इसको अपने बेटे को परमेश्वर के योग्य बनाना है। हालेलुया। उसके मन में जागृति हुई, अरे अलकाना की पत्नी है, बहुत पैसा है मेरे पास, अरे अच्छा सा एक ड्रेसेस लेकर आओ, खिलौने लेकर आओ अपने बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए जिसको पाने के लिए आप तरस रही थी। उसने अपनी इच्छा का इनकार किया कि नहीं, कहीं मैं खिलौने लेकर आऊं, कहीं मैं अच्छी ड्रेस लेकर आऊं और कहीं मैं शमूएल को जो पढ़ा रही हूं वो उसको ग्रहण ना करे, वो उन खिलौनों में ही मस्त ना हो जाए, वो उन ड्रेसेस में ही मस्त ना हो जाए। इसलिए हन्ना ने क्या किया, अपनी इच्छा की हत्या करी और उसको एपोद पहनाया। शुरू से उसे बताया कि उसे क्या बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने क्या किया, अपना क्रूस रोज उठाया, रोज उसने अपना इनकार किया। उसके पैसे की कमी थी नहीं, अलकाना उसका पति बाइबल पढ़िए, बहुत पैसा था उसके पास, वो कुछ भी मंगा सकती थी, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं का, अपने स्वार्थ का, अपनी ममता का इनकार किया, उसकी हत्या की ताकि यीशु का जीवन उसमें आ जाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब शमूएल 3 बरस का था, हन्ना ने उसको यहोवा के मंदिर में छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हन्ना के साथ शमूएल भी रोज अपना इनकार करता था। हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को आदत डाल दी उस आज्ञा की कि तुझे रोज अपना इनकार करना है, मुझे रोज अपनी इच्छाओं का इनकार करना है, तभी मैं यीशु का जीवन पा सकता हूं। शमूएल ने सीख लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन पाए, किसका पाए, यीशु का जीवन, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मरना सिखाइए, अपने बच्चों के अंदर उनकी इच्छाओं का गला घोटने की उनको अंदर शक्ति पैदा करिए, तब यीशु का जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि शमूएल जब बड़ा हुआ और जो वो बोलता था इज़राइल में वही होता था, जो वो बोलता था वही होता था, इज़राइल में जो वो बोलता था वही होता था, परमेश्वर उससे बात करता था। शाऊल को चुना शमूएल के द्वारा, दाऊद को चुना शमूएल के द्वारा, परमेश्वर ने बताया दाऊद का अभिषेक कर। हालेलुया। परमेश्वर आपका भी उपयोग करना चाहता है, आपको भी बताना चाहता है, आपसे भी बातें करना चाहता है, लेकिन वो पहले चाहता है कि हम अपना क्रूस रोज उठाएं, नित्य प्रतिदिन हम अपना क्रूस उठाएं, ये उसकी आज्ञा है। बाइबल रोज पढ़ना आज्ञा नहीं है, प्रार्थना रोज करना आज्ञा नहीं है उसकी,
अपना क्रूस रोज उठाना उसकी आज्ञा है। यही होता है, शैतान हमसे छोटी छोटी ये चीजें करवाकर हमको सेटिस्फाई कर देता है कि देखो हम तो मसीह हैं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बाइबल को अपने सिरहाने रख के सोता हूं, ये परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे चलो नित्य रोज। दोबारा पढ़िए बेटा लुका 9:23। मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर बस जाए, मैं आपके लिए पढ़ूं। तब उसने सब लोगों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, क्या आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं? उसने यदि कहा है, इस वचन की शुरुआत उसने किससे कही है? यदि। हालेलुया। जिस आज्ञा की शुरुआत यदि से हो, आप सोच लिए, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप यीशु मसीह की तरह जीना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये भूख है कि यीशु का स्वभाव मुझ में आए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको इस यदि को संभव बनाना है। नहीं, मुझे लाना है, मुझे रोज अपना जीवन क्रूस पर देना है, इनकार करना है। इसलिए वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह स्वयं अपना इनकार करे, अपनी इच्छाओं का इनकार करना, अपने स्वार्थ का इनकार करना, अपना इनकार करना, आपको जो चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार, बिना चावल के खाना नहीं खाऊंगा, चावल नहीं तो खाना नहीं, यार हो ही नहीं सकता, मैं चावल के बिना अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं उठ ही नहीं सकता, नहीं यार पेट ही नहीं भरेगा मेरा। या आपने अपने आप को बना लिया है, कोई चीज खाने में आपकी ऐसी है कि बिना उसके आपको मजा नहीं आता, नहीं 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 यार ये तो बिना है। कुछ चीजें आप दिन भर में देखें, आपने कुछ चीजों से ऐसा अपना आप जोड़ कर लिया है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। आप जहां सो रहे हैं आपको लगता है नहीं यही मेरी जगह है, ये जगह नहीं मिली तो मैं नहीं सो पाऊंगा, आदत डालिए दूसरी जगह सोने की, अपना इनकार करिए। जो लगता है आपको कि नहीं ये चीज नहीं करूंगा तो यार मुझे रोटी भूख नहीं मेरी मिटेगी, ये नहीं करूंगा तो मेरा ये नहीं होगा, नहीं वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि यीशु जीवन के रूप में आपके अंदर आना चाहता है। अगर आपको यीशु जीवन के रूप में चाहिए, मेरे भाई मेरी बहन, अपना इनकार करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने आप को रोज नहीं मारेंगे, रोज नहीं मारेंगे। पहला कुरिन्थियों 9:27 क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। मैं अपने आप को रोज, क्या लिखा दोबारा पढ़िए बेटा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को, अपनी देह को मारता कूटता हूँ, इसका मतलब पौलुस के अंदर भी उसकी देह लाती होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको भी कोई चीजें अच्छी लगती होंगी। देह को मारता कूटता हूं, देह में क्या आता है, आपकी जबान, देह में क्या आता है, आपकी आंखें, देह में क्या आता है, आपके कान, कि मैं कोई ऐसी चीज गलत ना देखूं जिससे मैं अशुद्ध हो जाऊं, मैं कोई ऐसी गलत चीज ना बोलूं जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। मैं अपनी देह को रोज मारता कूटता हूं, नहीं चाहिए। बाइबल समझते, बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय आपको नींद आ रही है, देह को मारिए, खड़े हो जाइए, घूमने लगिए, मुंह पे आपको छींटे मारिए, छींटे मारिए मुंह पे,
नींद आ रही है, मारिए छींटे, देह को मारो कूटो। ये आंखें आपकी हैं, आप आंखों के नहीं हैं। हेलो, ये आंखें आपकी हैं, आप नींद के गुलाम हो जाते हैं, आप अपने शरीर के गुलाम हो जाते हैं। ये दिमाग आपका है, आप दिमाग के नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपको कंट्रोल करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप कई बार कहते रहे नींद आ रही, क्या करूं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नींद आ रही पास्टर, मैं बिल्कुल आंखें नहीं खोल पा रही। है उसका उपाय है, जाइए खड़े हो जाइए, चल के प्रार्थना करिए, मुंह धोइए। उसी समय आप टीवी ऑन करेंगे और सीरियल देखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसकी बीवी इसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, नींद भाग गई, क्योंकि आप पाप के गुलाम हैं। परमेश्वर आप यीशु, ये शैतान आपको पाप का गुलाम बनाना चाहता है। आमेन। अगर हम आपके अपने आप को मारेंगे कूटेंगे नहीं, रोमियो 7:15-19 पढ़िए। अगर हम अपने आप को मारेंगे कूटेंगे नहीं मेरे भाई मेरी बहन, तो पाप जो चाहेगा वो हम करेंगे। रोमियो 7:15 जल्दी पढ़िए। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। हाँ, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता मैं। कई बार ऐसा होता है, हमसे हो जाता है। 19वां पढ़िए, 19। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आमेन। क्यों? उसका 20वां पढ़िए। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझसे मुझ में बसा हुआ है। कौन करा रहा है आपसे काम? पाप। पाप आपके अंदर, आपको पता ही नहीं है। आप पाप के गुलाम बन गए, इसलिए आपको अपने देह को मारना जरूरी है, इसलिए आपको अपने आप को मारना जरूरी है, नहीं तो पाप आपसे काम करवाता रहेगा। जो मैं नहीं चाहता हूं वो करता हूं, और जो चाहता हूं वो नहीं करता, क्योंकि करने वाला मेरे अंदर जो है वो कौन है? पाप। आप कितनी डेंजर पोजीशन में हैं, आपको पता ही नहीं कि पाप पाप के दास हैं। आप गुस्से के दास हैं, आप लालच के दास हैं, आप घृणा के दास हैं, आप व्यभिचार के दास हैं, आप स्वार्थ के दास हैं, आपको पता ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को रोज मारो, अपना रोज इनकार करो। आपको जब स्वार्थ आए इनकार करो, आपके अंदर लालच आए इनकार करो, आपके अंदर गुस्सा आए इनकार करो, आपके अंदर घमंड आए इनकार करो, आपके अंदर व्यभिचार आए इनकार करो, तब यीशु का जीवन आप में बहने लगेगा। सिंपल, अपने शरीर को अपना गुलाम बनाओ। शरीर के गुलाम मत बनो, आत्मा को राजा बनाओ। हम कौन है पता? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आत्मा। और हम एक शरीर में रहते हैं। हमारी पहचान क्या है? बोलिए, मैं एक आत्मा हूं और मैं एक शरीर में रहता हूं, मेरे पास मेरा प्राण है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसलिए जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, कोई आपको नाम भी नहीं लेता, अरे लाश को हटाओ, बदबू आ रही है, लाश को हटाओ। कोई फोन करता है उसकी डेथ, अच्छा इमीडिएट सेकंड बॉडी गई, बॉडी कितने बजे जाएगी? उसके बच्चे भी, जिसके लिए वो जिंदगी भर उसने काम किया, मेहनत किया, मरते ही। गलत कह रहा हूं? हेलो, गलत कह रहा हूं? आमेन।
क्योंकि वो सत्य है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं एक शरीर में रहता हूं, मेरी आइडेंटिफिकेशन आत्मा है और मेरे पास प्राण है। हमको इसे समझना पड़ेगा। तभी हमें अपने शरीर को मारना पड़ेगा। आज से अपने शरीर को मारिए, अपने घमंड का इनकार करिए, अपनी इच्छा का इनकार करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन आपने अपना इनकार करना शुरू कर दिया, हालेलुया, यीशु का जीवन आप में बहने लगेगा। यस, अगर आप चाहते हैं कि यीशु का जीवन आप में बहे, अपना रोज इनकार करिए। और जिस दिन यीशु का जीवन आप में बहने लगेगा ना, यीशु का सामर्थ आप में बहने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अमित भैया बहुत आप हंस रहे हैं, क्या बात है। असंभव चीज मैंने आपको बता दी, यह संभव है। नहीं बेटा, जीवन अगर यीशु का पाना है तो हमें इनकार करना पड़ेगा अपना। शैतान ने हमें बहुत सी आदतों का गुलाम बना दिया है और हम समझते हैं कि वो जो आदतें हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं और उन आदतों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। ये शैतान की चाल है। उसने पहले आपको अपने आदत का गुलाम बना लिया और आप कहते हैं ये तो मेरी आदत है यार, इसमें गलत क्या है, ये आदत है मेरी। सब्जी काटने की आपकी आदत होगी, खाना बनाने की हरेक की आदत होगी। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके द्वारा शैतान आपसे पाप करवा रहा है और आप कह रहे हैं तो मेरी आदत है, बचपन से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूं। इनकार करिए, इनकार करिए उन आदतों का, इनकार करिए, नहीं तो यीशु का जीवन आपको नहीं मिलेगा, परमेश्वर आप में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, मैं विश्वास कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूं और मेरा एक ही मकसद है पवित्र आत्मा से कि जो वचन मैं आपको दूं वो आपका जीवन बदले, आपका जीवन एक सा नहीं रहे। और ये आपके हाथ में है, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन चीजों को आप उन वचनों के अनुसार करना शुरू कर देंगे ईमानदारी से, आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। अद्भुत यीशु का सामर्थ उसका जीवन आप में काम करेगा। हालेलुया, आमीन। आज का वचन आपको अच्छा लगा, आपने ग्रहण किया, प्रभु आपको आशीष दे। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं देखें और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।